Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Manisha and again I'm back with another video. Guys, this video is going to be very helpful for those जो अपने करियर को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं, लाइक अभी 10th पास आउट हुए हैं और जिस तरीके से हुए हैं वो सब हमें पता ही है कि मतलब अभी कोरोना की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं और जो कंफ्यूजन रहती थी पहले उससे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट अब हो गई होगी बच्चों में. तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. और इसके अलावा जो करियर के उस स्टेज पर हैं या अपनी लाइफ के उस स्टेज पर जहाँ पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में उनके लिए क्या सब्जेक्ट्स या फिर कौन से वाली स्ट्रीम फील्ड उनके लिए बेस्ट रहेगी जिसमें वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई नो आप लोग थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए होंगे. तो इसमें देखिए, अभी मैं यहाँ पे मैंगो लेके बैठी हूँ तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या मजाक करने वाली हूँ, बट यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा है और मेरी पूरी बात को सुनने के बाद आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहती हूँ. सो गाइस, ये जो मैंगो है ना, सीजनल फ्रूट है और इसको खाने का जो वे होता है ना वो सबका ही अलग अलग होता है. कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पीसेस में कट करके खाते हैं, कुछ इसका शेक बना के पीते हैं, कुछ क्या करते हैं इसको डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ का क्या होता है इसकी जो ऊपर की जो स्किन है इसको निकाल के और फिर खाते हैं. व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये जो एक मैंगो है इसको खाने के इतने सारे डिफरेंट वे हैं. तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस मैंगो को खाना. यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप इसको कैसे खा रहे हैं. सो ये जो मैंगो है ना, ये वो करियर है या गोल है जो आपको अचीव करना है और जो मैंने इसको खाने के तरीके बताए ये हमारे लिए पाथ है जिस पे चल के आपको जाना है. तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कौन से पाथ से जा रहे हैं या फिर कहाँ से कैसे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता. मैटर जो चीज़ करती है वो ये कि इस मैंगो को खा कैसे रहे हैं. देखने में वैसे काफ़ी टेस्टी लग रहा होगा, थोड़ी बहुत बात मेरी आपको इस चीज़ से समझ में आ गई होगी. अब आगे जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे में था. थियोरेटिकली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं या फील्ड्स हैं वो बेसिकली थ्री होती हैं. एक होती है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. तीन ये मेजर स्ट्रीम्स हैं जो बच्चे आफ्टर 10th चूज़ करते हैं और इन तीनों में अपना करियर ढूंढते हैं. अगर साइंस देखें तो मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स, मैथ्स विदाउट मैथ्स, तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा उसमें डिवाइड हो जाएगी. बट मेजर स्ट्रीम्स में हमारे पास तीन ही आती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. इन तीनों फील्ड्स में, ये तीनों फील्ड्स अपने आप में बेस्ट है. मैं किसी एक फील्ड को नहीं बोलूँगी या एक स्ट्रीम को मैं सपोर्ट नहीं करूँगी कि ये दी बेस्ट है और बाकी दोनों बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अब वन बाय वन एक एक का मैं बताती हूँ. अगर सपोज़ आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं या इस टाइप में आपका दिमाग चलता है, लाइक आपको राइटिंग बहुत पसंद है और कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए उसके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कुछ लिख सकते हैं और आपको थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लिखने की हैबिट है और आपको चीज़ों को रीड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट आपके लिए दी बेस्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है. आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बाद में आप उसमें लिख रहे हैं तो ये उस वे में आपके लिए सब्जेक्ट अच्छा है. अगर आप रटने में बहुत एक्सपर्ट है तब तो इस सब्जेक्ट की बात ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. प्लस इस सब्जेक्ट में जो ये स्ट्रीम है हमारे पास, आर्ट्स जो स्ट्रीम है, इसमें सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास ऑप्शन में होते हैं जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके अपना करियर उसमें सेट कर सकते हैं. सेकेंड अगर मैं बोलूँ, अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैथ्स आपको बार बार, मतलब पूरा दिन आप मैथ्स कर सकते हैं और आपको कैलकुलेशंस में जो गेम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और प्लस माइनस तो बस आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सारा दिन उसमें घुसे रह सकते हैं, इस टाइप की अगर आपको गेम्स पसंद है, प्लस अगर आपका बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है, इस टाइप में अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, तो ये जो कॉमर्स फील्ड है ये आपके लिए बहुत बेस्ट है. कॉमर्स में क्या और सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, लाइक बीएसटी हो गया, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इको
और इंग्लिश तो खैर लैंग्वेज होती है तो हर एक सब्जेक्ट में कॉमन मिलेगी, बट ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर ही पढ़ने को मिलते हैं, तो इसमें ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे टाइप के स्टूडेंट हैं कि आपको लगता है कि क्वेश्चंस पुट करना बहुत पसंद है, लाइक जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी एग्जिस्टेंस पे आपको डाउट है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके माइंड में आते हैं जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स होता है, लाइक चलते चलते एक रोड पे टर्न आ जाता है, घुमाव आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, स्काई ब्लू है तो वो क्यों है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जैसे कि थंडरिंग हो गया लाइट का, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत आते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको रीज़न ढूंढने की हैबिट है तो आप साइंस लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट फील्ड रहेगी। साइंस में दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, मेडिकल नॉन मेडिकल। उसमें आपको मेडिकल अगर लेन में आप जाते हैं तो आप वहाँ पे ह्यूमन बॉडी में या फिर लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम बुरा नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पढ़ना आपको पसंद है। क्योंकि सक्सेस उसी चीज़ में मिलती है जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, विदाउट इंटरेस्ट सक्सेस नहीं मिलती है। तो अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो था कि जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे अगर साइंस आप लेते हैं तो उसमें आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो है फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो साइंस स्ट्रीम में होते हैं। इसके अलावा आई मस्ट टेल यू कि आप अगर किसी भी चीज़ को चूज़ करें, कोई भी स्ट्रीम फील्ड आप चूज़ करें, तो वो दो बेसिस पे तो बिल्कुल चूज़ मत करिएगा। फर्स्ट तो किसी को देखकर, कि सपोज़ आपका कोई फ्रेंड कोई सब्जेक्ट ले रहा है और आपका मतलब आपको उसके साथ रहना है तो आप भी वही सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। ना आप किसी रिलेटिव्स की बातों में आके, कि अगर आपके नोन में आपके कोई कज़न ब्रदर या सिस्टर वो कुछ किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको लगे कि आप भी उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये सिर्फ गलत फहमी होती है, माइंड का फितूर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सब में अपना एक अलग टैलेंट होता है, सब सेम नहीं होते हैं, तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं उसमें जाने की कोशिश मत करिएगा। सेकेंड थिंग ये कि इस बेसिस पे आप खुद को जज मत करिएगा कि अगर आपके टेंथ में साइंस में सपोज अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि टेंथ में मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो सुपर इंटेलिजेंट हैं, आइंस्टाइन के बाद में हम ही आते हैं तो साइंस ले लेते हैं। तो इस बेसिस पे भी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो नाइन्थ और टेंथ में हम साइंस पढ़ते हैं ना वो एकदम ABCD होती है, और जब हम 11th में साइंस ले लेते हैं तो वो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, मतलब ABCD से सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स बनाने रह गए ना वो प्रोसेस बीच में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मेजर डिफरेंस आता है। अगर आप 10th के बेसिस पे ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा साइंस में अच्छे हैं तो आप फिर इस बिहाफ पे ले लेते हैं 11th में साइंस, क्योंकि 10th में जो साइंस है वो सिर्फ एक सिंगल बुक है जिसमें हमारे पास फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, प्लस बायो आती है। लेकिन 11th और 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की अलग अलग बुक्स हो जाती हैं, और दो दो बुक्स होती हैं, बायो की एक होती है बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की दो दो बुक्स हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है वो। मैं आपको साइंस को लेकर डरा नहीं रही हूँ, साइंस सिर्फ 2P मांगती है, 2P मतलब प्रैक्टिस प्लस पेशेंस, मेहनत तो आपको हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं कि डेली बेसिस पे आपने स्टडी करी है और जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, किसी को भी आप नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट बुरा है या अच्छा है, बट हमारी सोसाइटी में साइंस को लेके जैसे हवा बना रखा है कि साइंस ली है तो बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं हम उस बच्चे को, या फिर ऐसा लगता है हमें कि हाँ साइंस तो इंटेलिजेंट लोग ही लेते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, कॉमर्स में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। द मेन थिंग इज इंटरेस्ट, जिस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जिस चीज़ पे आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये जो लाइफ की स्टेज है ना, आप सोच समझ के अगर अपना करियर चूज़ करते हैं तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अभी अगर किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने पे आप सब्जेक्ट लेते हैं तो हो सकता है बाद में आपको ही सफ़र करना पड़े। अब
इसके अलावा अगर सपोज आपके आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कंफ्यूज हैं कि जो ये तीनों स्ट्रीम्स हैं आपकी साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में डेप्थ में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। बट मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है। आपका इंटरेस्ट जिसमें भी होगा आप उस सब्जेक्ट को अपनी तरफ से बहुत अच्छा बना सकते हैं। आर्ट्स लेकर भी बच्चे बहुत सक्सेस अचीव करते हैं, कॉमर्स वाले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और साइंस वाले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस ये होता है कि अगर आप कोई टफ सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने की ना या फिर ज़्यादा देर तक बैठ कर पढ़ने की हैबिट बन जाती है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है। बट सब्जेक्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं। अगर आपको किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है क्या हम उसमें कैसे करियर बना सकते हैं या फिर क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हमारे लिए हो सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। और उसके अलावा आज आप सबका होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको मैंगो वाला एग्जाम्पल दिया है, आप सबको मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आपको मैंगो किस वे में खाना पसंद है। एंड नाउ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक या डिसलाइक आप कुछ भी करिए, एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, इसमें क्या चीज़ की कमी रह जाती है। उसके अलावा गाइस जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ कोरोना को ज़्यादा लाइटली मत लीजिए। जैसे आपका सेलफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बना लीजिए। आप मास्क और सैनिटाइज़र को बिल्कुल मत भूलिए, बाहर जब भी जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि आप हैं तो आगे कुछ कर सकते हैं, अगर अभी रिस्क ले लेंगे तो फिर आपके साथ ही मजाक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।